देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। एटा जिले में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। नाबालिग किशोरी के साथ तमंचे के बल पर आरोपी युवक 4 माह तक करता रहा रेप। अपनी बहन के यहाँ रहने आई थी पीड़ित किशोरी, पड़ोसी दबंग युवक ने ही रेप की घटना को दिया अंजाम। रेप के बाद गर्भवती हुई रेप पीड़िता नाबालिग किशोरी अपने घर पहुंची। किशोरी के पेट में दर्द होने पर हुआ आरोपी की करतूत का खुलासा। पीड़िता और परिजनों ने दबंगों पर डॉक्टरों के साथ मिलकर भ्रूण हत्या करने की कोशिश का भी आरोप। 7 माह की गर्भवती नाबालिग किशोरी बिन ब्याई बनी माँ। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने FIR की दर्ज। कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के एक गाँव का मामला। के साथ में आप हॉस्पिटल आई हुई हैं, क्या है पूरा मामला? अच्छा, संपर्क हो गया। हाँ। तो वो जबरदस्ती काम करता रहे, तमंचे से बल से। हाँ। काम करता रहा। हाँ। तो तुम्हारे साथ शादी करेंगे जी। हाँ। तो वे 3 महीने बाद लौट के आए घर पर। हाँ हाँ, कौन है वो लड़का? तो सुमित है। हाँ, फिर क्या हुआ? तो वो जबरदस्ती काम कर शादी करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ। आपकी तो वे तो आपकी शादी करेंगे, क्योंकि शादी भी नहीं की, इनकार कर रहा। फिर घर पे पता कैसे चला आप लोगों को? हमने पूछी, या कि हमने पूछी कि बिटिया क्यों दर्द, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ। उन्हें क्यों दर्द की, हम MC नहीं हुए। हाँ। MC नहीं हुए। फिर हमने कहा दरवाज से तो मैं ले चलते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर के यहाँ। हाँ। फिर तो इधर लड़का उसे लड़के को बुलाया हमने। हाँ। तो बुलाया तो उसकी लड़की, हम चले गए खाना लेने। हाँ। की बोली कि भाभी हमको भूख लगी है, खाना लेने चले गए। तो वो लड़का आया, उनने हाथ लड़की के उस इंजेक्शन लगवा दे, लड़की बहुत हो गई है। डॉक्टर के यहीं? हाँ। मिल कर के डॉक्टर से? हाँ। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल था वो? प्राइवेट हॉस्पिटल था। हाँ। अच्छा। तो DM साहब का छापा करा। हाँ। का छापा करा तो उन लोगों ने उठा के हमें सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया। मिलने को भर्ती कर दिया। अब बच्चा हो गया उसको? हाँ, बच्चा हो गया। कितने? 6 महीने तक का। तो कैसी हालत है उसकी? हालत बहुत खराब है, आगरा गया है। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची के 15 साल उम्र। और शादी करने क्या कह रहा है? इनकार कर रहा है सर। तो अब क्या FIR कराई आप लोगों ने? हाँ, कराई। क्या मांग करते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई अब करते हैं भाई साहब, मांग क्या आप कहते शादी कर लें। अलीगंज के एक गांव का मामला है। पीड़िता है जो कि 14 साल की उम्र है, वो अपनी बहन के यहाँ इस दिन रह रही थी कुछ महीनों से। वहीं से बताया जा रहा है उसी गांव का लड़का है जिसने उसको साथ जो है कई बार बात कर किया। और 27 मई को यह मामला प्रकाश आने पर पुलिस द्वारा तत्काल एफ आई दर्ज की गई इसमें। और 28 मई को उसको डॉक्टरी मुआयना हेतु जिला मास्टर अस्पताल भेजा गया था, जहाँ पर उसको एक प्रसव हुआ है, ये बच्चा पैदा हुआ है जो प्रीमेच्योर बच्चा है। उसकी हाथ देखते हुए उसको रेफर कर दिया गया बच्चे को, और पीड़िता का इलाज यहाँ पे चल रहा है मल अस्पताल एटा में। और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी हम कार्रवाई की जा रही है।